कभी-कभी किसी क्षेत्र में ऐसा लगता है कि एक ही परिवार का किसी भी क्षेत्र पर दबदबा है और सारी प्रतिभाएं उसी घर से निकल रही हैं। जी हाँ, ये बता दें कि ये सच्ची घटना है। मोहम्मद शहजार, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, वो घरेलू मैच खेलते हुए 265 रनों की पारी खेली है तो अपने पिता, दादा, चाचा और दादा के दो भाइयों सबने फर्स्ट क्लास में दोहरा शतक लगाया है। वो अपने परिवार से दोहरा शतक लगाने वाले छठे बल्लेबाज हैं। शहजार पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद के पोते हैं। हनीफ ने पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट मैचों में 43.98 की बल्लेबाजी औसत से रन बनाए हैं। प्रथम श्रेणी में उनका सर्वोच्च स्कोर 499 था। इस तरह की विरासत का शहजार पर दबाव जरूर होगा। दाएं हाथ के इस 26 वर्षीय बल्लेबाज ने इस दबाव को झेलते हुए खुद को साबित भी किया। वो ऑफ स्पिनर भी और कभी कभी विकेट कीपिंग भी करते हैं। उन्होंने 12 अक्टूबर को खेले गए मैच में कराची वाइट्स की ओर से खेलते हुए मुल्तान के खिलाफ 265 रनों की पारी खेली। शुक्रवार को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पर कायदे आजम ट्रॉफी के मुकाबले में उन्होंने यह कीर्तिमान बनाया। वह प्रथम श्रेणी में उनका 36वां मैच था। उन्होंने अपनी पारी में 466 गेंदों का सामना किया और 30 चौके और एक छक्का लगाया। उनके पिता शोएब ने पाकिस्तानी समाचार चैनल जियो टीवी को बताया, यह मोहम्मद फैमिली के लिए एक बड़ी अवसर है। इससे पता चलता है कि क्रिकेट हमारी रगों में बहता है। अगर हनीफ साहब आज जिंदा होते तो वह काफ़ी फख्र महसूस करते। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।